हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं अभी एक ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री में आया और मैं देख रहा था कि मैं ईटा लेने के लिए आया। एक्चुअली मैं मेरा घर के लिए, घर का काम के लिए, और मैं यहाँ देखा कि यहाँ ईट कैसे बनता है। तो क्यों ना सोचूं ईट बनने का जो तरीका है वो उसको किस हिसाब से शेयर करूँ, आप लोगों को कैसे शो करूँ। यह है ईट बनने का जो तरीका, ईट बन रहा है यहाँ पर। यह ईट बनने का तरीका है, पहले यहाँ से ईटा बन रहा है और यहाँ से ईटा बन के जाएगा ये चूल्हे में, स्ट्रैक में। पहले ये सूखेगा यहाँ, ये ईटा का खेती है, पूरा ईटा लगा हुआ है और ये पूरा ईटा यहाँ पर हर जगह में, एक एक जगह में यहाँ पर ईटा बन रहा है। जैसे उस तरफ है ईटा बन रहा है, ये ईटा बन के, पूरा ईटा बन के ये स्ट्रैक होगा। ये ईटा का जो कच्चा ईटा है यहाँ से आके यहाँ पर पूरा स्टैक लगेगा, कहीं एक जगह पे जमा होगा और जमा होके फिर ये इस चूल्हे के अंदर आएगा। जो यहाँ चूल्हा पे काम चल रहा है अभी, ये लोग चूल्हा पे काम कर रहा है, मैं चूल्हा का अंदर थोड़ा बाद में जा रहा हूँ। जो ये पॉलीथीन से ढका हुआ है, ये पूरा कच्चा वाला ईटा है और इसको ये लोग चूल्हे में डालेंगे लाके बाद में। ये पूरा दाहिने बाएँ जो ईटा दिख रहा है, ये पूरा दाहिने बाएँ वाला पूरा ईटा यहाँ पर ऑलरेडी जल के यहाँ पर ईटा पक गया और ईटा बनने के बाद यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया। और मैं थोड़ा अभी चूल्हे के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो ईटा है यहाँ ऑलरेडी फिलअप है, ये ऑलरेडी ये जल के ख़त्म हो रखा है। यहाँ ये मैं जस्ट अभी चूल्हे के ऊपर आ रखा हूँ। यहाँ पर ये पूरा चूल्हा है जहाँ पर ईटा ढका हुआ है, यहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, अंदर में जल रहा है। यहाँ ये ईटा यहाँ पर मैं अभी, ये जस्ट मेरा पीछे जो चिमनी है ये जल रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा है। यहाँ पूरा बहुत ही हीट है, यहाँ बहुत ज़्यादा हीट है और नीचे नीचे पूरा आग है। यहाँ अंदर में, इसके अंदर में पूरा ईटा है और ये जो दिख रहा है ये पूरा एरिया में, ये पूरा एरिया में यहाँ पर ईटा अभी कच्चा ईटा बन रहा है। और इच ये कच्चा ईटा पूरा इसी जो राउंड सर्कल में, जो राउंड सर्कल में ये पूरा चूल्हा बना हुआ है, इसी राउंड सर्कल में पूरा चूल्हा के अंदर इसको फिलअप किया जाएगा। इसके बाद इसमें जैसे लकड़ी है, कोयला है, ये डाल के इसको बनाया जाएगा। और ये मैं चूल्हा के अंदर जा रहा हूँ फिलहाल उधर से घूम के। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये कोयला रखा हुआ है, ये कोयला है, तो जैसे ये कोयला यहाँ से ले जाके यहाँ चूल्हे के अंदर डाला जाता है। और लकड़ी जो भी ये लोग डालते हैं, इनका जलाने का तरीका कुछ और होगा, हर चीज़ इतना डिटेल में कोई बताता नहीं। तो यहाँ से हर द्वार, जो दरवाज़ा है वो जाम किया हुआ है, हर दरवाज़ा। तो यहाँ पर एक्चुअल में जब जैसे ये चूल्हा भर जाएगा कच्चा ईटा से, जैसे सामने में एक मकान सा दिख रहा है छोटा सा, और वहाँ पर कच्चा ईटा का स्ट्रैक लगा हुआ, पूरा कच्चा ईटा का पूरा वहाँ पर डम लगा हुआ है। ये कच्चा ईटा यहाँ से ले जाके उसको वहाँ पर चूल्हे में डाला जाएगा। यहाँ पर ही ये जो लेबर पार्टी है यहाँ पर, ये पूरा रांची का रहने वाला है, रांची से बिहार साइड से है, और यहाँ पर इनके लिए छोटा छोटा स्टॉल बनाया हुआ है, यहाँ पर रहते ये लोग। और ये जो ये लोग बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्कर है ये लोग, इतना काम करते हैं ये लोग कि यहाँ पूरा दिन भर इतना धूप में इतना काम करता, बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा इनका जो काम करने का जो कैपेबिलिटी है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत क्षमता है इनका। ये पूरा चूल्हा अभी भरा हुआ है फिलहाल, लेकिन जहाँ जहाँ से खाली हो गया ईटा वहाँ पर इन लोग कच्चा ईटा डाल के, यहाँ पर कच्चा ईटा डाला और कच्चा ईटा डाल के यहाँ पर अभी इसको फिलअप कर रहा है। जैसे मैं अभी शो कर रहा हूँ, ये यहाँ पर ये जल गया ईटा, यहाँ पर पूरा जला हुआ ईटा है। और ये सामने दिख रहा है ये कच्चा वाला ईटा, जो कच्चा वाला ईटा का ऊपर में अंदर में कोयला डाल रहा है, ऊपर से मिट्टी से ढक रहा है, जो कि इसके अंदर में आग जाए और ये जल जाए। ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होने में करीब 20 से 25 दिन लग जाता है। और ये है चिमनी जो कि अभी भी जल रहा है, एक साइड का अभी भी जल के ख़त्म नहीं हुआ, तो उसका जो धुआं है वो ऊपर से निकल रहा है, जो ये चिमनी का ऊपर से दिखाई दे रहा है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है
और 20-25 दिन एक महीना तक लग जाता है पूरा चूल्हा खाली होने में, मतलब जल के कंप्लीट होने में। इसके बाद इसको फिर निकालने का प्रोसेस शुरू होता है, एक तरफ से उसको निकालने का स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ से फिर उसको कच्चा ईंटा भरना शुरू हो जाता है। ये है यहाँ का ईंटा का प्रोसेस। दोस्तों मेरे को सिर्फ इसके बारे में सिर्फ आपको शो करना था एक्चुअल में बनता कैसे ईंटा, तो सबको पता नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ, सोचा मैं छोटा सा एक ब्लॉग बना लेता हूँ और दोस्तों को शेयर कर लेता हूँ। और अच्छा लगा काफ़ी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा। या नज़दीक में जो भी मकान है सिविलियंस का, वो बहुत ज़्यादा धूल से अफेक्टेड है। इतना धूल यहाँ से, जो डस्ट निकलता ना यहाँ से, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ हर आदमी, नॉर्मल आदमी यहाँ नहीं रह सकता जीने के लिए, बहुत मुश्किल है। यहाँ सिर्फ वो रांची वाला और बिहार वाला आदमी यहाँ सक्सेस है। और ये है एंड जो एग्ज़िट का रास्ता है, ये फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री का एग्ज़िट का रास्ता है। यहाँ मैं अभी जाने वाला हूँ गाड़ी के साथ। और ये जो सामने में मकान दिख रहा है, वो मैनेजर का घर है। और मैनेजर का यहाँ पर पूरा डीलिंग होता है। यहाँ से हम लोग बाहर जाने का, मतलब यहाँ से आउट होता है। और गाड़ी जैसे आगे लगा हुआ है रोड पर, मेरा गाड़ी लोड गाड़ी लगा हुआ है। अभी यहाँ से चलूँगा। यहाँ से फिर एक चीज़ और है, जो यहाँ पर डोज़र काम कर रहा है, वो मिक्सर का काम कर रहा है, मिट्टी का मिक्सर कर रहा है, मिक्सअप कर रहा है वहाँ पर। तो ऐसे ही है, ईंटा का प्रोसेस बनते रहता है और ऐसे ही यहाँ काम चल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, यहाँ ईंटा भट्टी वाला ब्लॉग देखिए आप लोग देखना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।